पीथमपुर अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर पीथमपुर में प्रभावी वाहन रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में वाहनों पर आदिवासी समाज के युवा नारे लगाते चल रहे थे। रैली घाटा बिल्लो से शुरू होकर महू के पास पातालपानी टंटिया मामा के कर्म स्थली पर समाप्त हुई। रैली में अधिकतर युवा शामिल थे। एक तीर एक निशान के नारे लगाते हुए रैली महू भीमराव अंबेडकर जन्म स्थली से होकर पातालपानी टंटिया मामा कर्म स्थली पर समाप्त हुई। वहीं इस मौके पर भीम सेना के प्रदेश संयोजक डॉक्टर हेमंत हिरोलय ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है। इस दिवस की घोषणा का उद्देश्य है कि गरीब पिछड़े आदिवासी भाइयों को बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य व संपन्न बनाया जा सके और आदिवासी समुदाय को हर प्रकार के नशे से मुक्ति दिलाई जा सके। यह रैली आसपास के अलग अलग अंचलों से आकर पीथमपुर में एकत्रित हुई। यहां बाबा अंबेडकर जन्मस्थली होते हुए टंटिया मामा की कर्म स्थली पर समाप्त हुई। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। आज जो रैली निकाली गई है, इसके पीछे क्या मकसद है? सर, आज संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस है सर, और विश्व आदिवासी दिवस का मेन तात्पर्य था आदिवासी समाज का उद्धार करना, सामाजिक रूप से, शिक्षित रूप से, स्वास्थ्य के रूप से और आर्थिक रूप से उद्धार करना मेन मकसद था संयुक्त राष्ट्र का। इसीलिए आज विश्व आदिवासी दिवस मना रहे। आज हमारा विश्व आदिवासी दिवस मनाने के मकसद ये है कि हम लोग सब जागरूक हो गए आदिवासी भाई, शिक्षा और चिकित्सा और स्वास्थ्य और आर्थिक प्रोग्रेस के लिए प्रयास करें और खास करके आज के दिन ये संकल्प ले कि कोई भी आदिवासी भाई नशा से, चाहे गुटखा, तंबाकू, दारू, दंगल से दूर रहे। ये अपना संकल्प है। हम लोग यहाँ से हमारे महापुरुष संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली जाएंगे। वहाँ से हम लोग हमारे मालवा निमाड़ के रॉबिनहुड, टंटिया मामा के कर्मस्थान पाताल पानी पे हम लोग नमन करने जाएंगे और वहां से हम लोग शांति से अपने घर घर जाएंगे। कहां से रैली शुरू हुई अब? सर, ये रैली पूरे क्षेत्र से है सर, सरदारपुर, राजगढ़, बदनावर, अपने सभी गांव के, मतलब सभी गांव के क्षेत्र से लोग आए हुए हैं सर, ये एकत्रित होकर और ये सब जा रहे हैं सर। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।